स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं हैलोजन फैमिली को, राइट। और हैलोजन फैमिली के पार्ट वन को आज हम डिस्कस करेंगे, तो ध्यान से सुनना, सारी चीज़ें आपको क्लियर होती हुई जाएगी। अपन दो लेक्चर में इसको कवर कर लेंगे, हैलोजन फैमिली को ज़्यादा बड़ा नहीं है, एक साथ ज़्यादा ले ले तो ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए मैंने दो पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया, राइट। करें स्टार्ट। सो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि इनकी नेचर क्या है, मतलब हम नॉन मेटल मेटल में इनको डिवाइड करेंगे। देन फ्लोरीन इज नॉन मेटल, क्लोरीन भी नॉन मेटल है, ब्रोमीन भी नॉन मेटल है, आयोडाइड भी जो है, आयोडीन जो है, आयोडीन जो है वो भी क्या है, नॉन मेटल है, राइट। एस्टेटाइन ये है मेटलोइड, राइट। हैलोजन जितने भी हैं सारे रिएक्टिव नॉन मेटल है, सारे क्या हैं, रिएक्टिव नॉन मेटल। मतलब मेनली जो हैलोजन जिनकी हम बात करते हैं वो आपके क्या होते हैं, वो आपके होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। इस वजह से हम ये बोलते हैं कि हैलोजन जो होते हैं वो हाईली रिएक्टिव इन नेचर हैं, राइट। चीज़ें क्लियर हुई, कौन नॉन मेटल है कौन मेटल है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में तो न्यूज़ से पहले बताया था, आपको एक ट्रिक बताई थी, बबीता सीता की गीता सब ट्यूशन आते, तो वो आते जो था वो एटी था, मेटलोइड था वो, और उसके ऊपर के जो जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे क्या होंगे, नॉन मेटल। ये मैंने ट्रिक बताई थी कि कोई भी मेटलोइड हो उसके ऊपर जो होंगे वो सारे नॉन मेटल होंगे, नीचे जो होंगे वो सारे मेटल होंगे, राइट। तो हुई चीज़ें क्लियर, आगे नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जरा सोच के बताओ मुझे, व्हाट इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हैलोजन फैमिली। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगा हैलोजन फैमिली का, विच इज़ NS2NP5, राइट, इट इज़ NS2NP5 इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, राइट। बहुत इजी था। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो ब्रोमीन है आपका ओनली वो ही नॉन मेटल है, मतलब पूरे पीरियोडिक टेबल में एक ऐसा नॉन मेटल ब्रोमीन ही है जो लिक्विड होता है एट रूम टेम्परेचर। तो याद रखना, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है कि ब्रोमीन इज़ द ओनली नॉन मेटल विच इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं हम एटॉमिक रेडियस एंड आईपी आयनाइजेशन पोटेंशियल की। तो अगर हम बात करें तो एटॉमिक रेडियस नीचे जाओगे डाउन द ग्रुप तो इंक्रीज होगी, आयनाइजेशन पोटेंशियल एटॉमिक रेडियस का रिवर्स होगा, तो नीचे टॉप टू बॉटम जाओगे तो आयनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा, कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। तो रेडियस डाउन द ग्रुप इंक्रीज, आयनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीजेस, राइट। चलो आगे चलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन की ज़्यादा हो जाती है, किससे, फ्लोरीन से। क्यों होता है ऐसा, जनरल ये कॉन्सेप्ट होते हैं ना कि जो थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट होते हैं उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होती है, किससे, सेकेंड पीरियड से। क्यों, रीज़न है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। देखो ये है आपका फ्लोरीन, ये है आपका क्लोरीन, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी जब एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इसमें एंटर करे। अब जब इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा इस छोटे से फ्लोरीन के पास, तो बहुत ही थोड़ी सी स्पेस है, इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी उसके पास है, नया इलेक्ट्रॉन आएगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगी। ये बोल रहा है कि नहीं भाई तू मत आ, हमारे पास तो ऐसे ही भीड़ भाड़ बहुत है, तो हमें इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन जो है वो फील होगी, किस केस में, आपके फ्लोरीन के केस में। बट अगर बात की जाए किसकी, ब्रोमीन की, तो ब्रोमीन के केस में होगा साइज़ बड़ा, या क्लोरीन के केस में साइज़ होगा बड़ा, और साइज़ बड़ा होने की वजह से आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए जो रिपल्शन होनी चाहिए वो क्या हो जाएगी, कम। अब देखो एक के पास ज़्यादा स्पेस है, आपके पास एक तो एक ही कमरा है और एक आपके पास पांच कमरे हैं घर में, तो अगर कोई गेस्ट आ जाए तो किसे प्रॉब्लम नहीं होगी, जिसके पास पांच कमरे होंगे उसको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वैसे ही बात किसके साथ है, क्लोरीन
फ्लोरिन और उसके साथ, राइट। तो फ्लोरिन को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, हुई चीज़ें क्लियर। चलो आगे, तो एटॉमिक रेडियस डिस्कस कर लिया, आयनाइजेशन पोटेंशियल डिस्कस कर लिया, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, अब कौन सा बचा जल्दी से बताओ, कौन सा बचा आपका, बचा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, राइट। क्या बचा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। चलो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप क्या होगी, वैल्यू डिक्रीज, और डिक्रीज होगी तो ठीक है, हमें ये तो नॉर्मल ऑर्डर होता है, समझ में आ ही रहा है। अब आपको क्या याद रखना है, स्लाइड में दिख रहा होगा, मैंने कुछ कुछ वैल्यू लिख रखी है यहाँ पे, और वो क्या है, देखो एक क्या टर्म याद रखनी है, मैंने ट्रिक बना रखी है, पैसा है, पैसा तो है, ठीक है, पैसा है मतलब फॉस्फोरस और हाइड्रोजन, फॉस्फोरस और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू होती है 2.1, सेम वैल्यू होती है। क्लोरीन और नाइट्रोजन की भी वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। देखो क्या वैल्यू होती है इसकी, इसकी होती है 3 वैल्यू, क्या वैल्यू होती है, 3 वैल्यू होती है, राइट, और इनकी होती है 2.1। और भी याद करते हैं, देखो कौन समझे, पैसा है कल नहीं, कौन समझे, बात सही है ना, आज पैसा है कल नहीं है, ये बात कौन समझे, अब कौन समझे में सी कौन है, कार्बन, और समझे का एस कौन है, सल्फर, दोनों की क्या है वैल्यू 2.1, वेरी गुड। अब डिस्कस करते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को, और सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ को, क्या बॉन्ड स्ट्रेंथ को हम डिस्कस करते हैं, या हम इसको बोल दें कि बॉन्ड एनर्जी। अब बॉन्ड स्ट्रेंथ या बॉन्ड एनर्जी को कैसे डिस्कस करेंगे, फ्लोरीन फ्लोरीन, क्लोरीन क्लोरीन, ब्रोमीन ब्रोमीन और आयोडीन आयोडीन के बीच की बॉन्ड की स्ट्रेंथ को चेक करेंगे। तो देखो फ्लोरीन फ्लोरीन तो है बहुत छोटे छोटे, फिर क्लोरीन उससे साइज में बड़े, फिर ब्रोमीन और भी बड़े, और आयोडीन तो और भी बड़े, जितने छोटे आपके एटम होंगे, जितने छोटे आपके एटम, स्माइल करो, जितने छोटे आपके एटम होंगे उतनी ही ओवरलैपिंग ज़्यादा होगी, ठीक है। जैसे जैसे साइज बड़ा होता जाएगा तो मेल मिलाप क्या होता जाएगा, कम, बहुत बड़ा साइज होने की वजह से ओवरलैपिंग बहुत ही क्या हो जाती है, कम। तो लग रहा है कि FF की बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, फिर क्लोरीन की होनी चाहिए, फिर ब्रोमीन की होनी चाहिए, और फिर आयोडीन की होनी चाहिए, बट देखते हैं क्या ऐसा होगा। तो एक और फैक्टर होता है जो कि क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। अब फ्लोरीन बेचारा छोटा, प्लस उसके पास इतने सारे लोन पेयर, अब इन लोन पेयर की वजह से क्या हो जाती है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, तो इसका बॉन्ड तो क्या हो जाता है, बेचारा वीक हो जाता है, और बॉन्ड वीक होने की वजह से ऑर्डर जो फाइनली बनता है वो कुछ ऐसा होता है, Cl2, Br2, F2 एंड I2, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, याद रखना, राइट, बहुत इम्पोर्टेंट है। चल आगे डिस्कस करते हैं। अब मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट को अगर हम डिस्कस करें, सॉरी, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को अगर हम डिस्कस करें, तो डाउन द ग्रुप आपका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज होगा, क्यों, क्योंकि वॉन्डरवॉल फोर्सेस बढ़ेंगे, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है। अब ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल की बात करें, तो हेलोजन आपको पता है एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करते हैं, दूसरों का ऑक्सीडेशन करते हैं, और इनका ऑर्डर गैसियस फेज में भी यही रहता है, F2, Cl2, Br2, I2, F2 की ज़्यादा टेंडेंसी होती है किसी और को ऑक्सीडाइज करने की, मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, राइट। चलो, और जब एक्वस मीडियम में भी देखा जाता है तब भी ऑर्डर यही आता है क्या, कि F2, Cl2, Br2 एंड I2, वेरी गुड। अब एक्वस मीडियम में जब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को चेक किया जाता है, मतलब सिंपल सा काम नहीं होता, एक लंबी सी प्रोसेस होती है, उसके थ्रू चेक किया जाता है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है, वैसे हमें करना तो नहीं है, बट हमें ध्यान रहना चाहिए कि किस टाइप से होती है, तो ज़रा देख लिया जाए।
तो देखो बहुत सिंपल सी प्रोसेस है। सबसे पहले F2 का डिसोसिएशन होगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी उसमें काम आएगी, एनर्जी हमें देनी पड़ेगी, राइट। फिर इस F गैसियस में इलेक्ट्रॉन होगा ऐड, F माइनस बनेगा, एनर्जी सिस्टम से रिलीज होगी, राइट। ये सब होने के बाद एक्वस मीडियम में आएगा वाटर, वाटर होने से आयन बनेगा एक्वस, एक्वस बनने के साथ हाइड्रेशन एनर्जी रिमूव हो जाएगी। मतलब जब आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करते हो तो इन तीन एनर्जी का रोल आता है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड हाइड्रेशन एनर्जी, राइट। कौन सी एनर्जी? हाइड्रेशन एनर्जी। और ये आपकी जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो मैक्सिमम अमाउंट में होती है, मतलब रिलीज होने वाली एनर्जी इन द केस ऑफ फ्लोरीन बहुत ज़्यादा होती है। इस वजह से ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जब एक्वस फेज में भी चेक किया जाता है तब भी वो हाईएस्ट होता है। तो वही चीज़ें क्लियर, वेरी गुड वेरी गुड, क्लियर हो गई। तो बस अपन नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। आपको अगर टेलीग्राम पे फॉलो करना है तो करिए आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय किरण से। ओके बाय, ऑल द बेस्ट।